एक ही साथ एक तरफ खेसारी लाल यादव की तारीफ तो एक तरफ आम्रपाली दुबे की बेइज्जती बदनामी, आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि खेसारी लाल यादव जी से जुड़ी हर एक नई पुरानी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबों को पता ही होगा, मालूम ही होगा कि खेसारी लाल यादव व आम्रपाली दुबे की आने वाली फिल्म डोली सजा के रखना के ट्रेलर को 2 जुलाई 2022 को यूट्यूब पे रिलीज की गई थी। साथ ही डोली सजा के रखना फिल्म के ट्रेलर ने एक दिन में ही, सिर्फ एक दिन में ही 3.5 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर एक सुपरहिट ट्रेलर का खिताब भी, दर्जा भी हासिल कर लिए हैं। डोली सजा के रखना फिल्म के ट्रेलर को देखकर जहां एक तरफ लोग खेसारी जी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं एक तरफ लोग आम्रपाली दुबे की बेइज्जती कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमेशा की तरह खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म में भी एक्टिंग काफ़ी हाई लेवल की किए हैं। साथ ही खेसारी लाल यादव अपने किरदार में परफेक्ट बैठते भी हैं, लेकिन आम्रपाली दुबे ने ना ही इस फिल्म में अच्छी तरह से एक्टिंग कर पाई है और ना ही आम्रपाली दुबे अपने किरदार में परफेक्ट बैठ पाई है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या खेसारी जी व आम्रपाली दुबे की फिल्म डोली सजा के रखना फ्लॉप हो जाएगी? तो नहीं, खेसारी लाल यादव संभाल लेंगे, ये फिल्म हिट जरूर होगी क्योंकि खेसारी लाल यादव अपने एक्टिंग से दर्शकों को, लोगों को बांध के रखेंगे। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऐसा ही होगा ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप सबों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड विशेस फॉर गुड luck।